गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल अनुराधा हर्षल। तो हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारिका। बेट द्वारिका ये माना जाता है कि ये बेट द्वारिका को सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी को गिफ्ट दिया था, दान में दिया था। और बेट द्वारिका गुजरात का जो लास्ट गांव है वहां से 3 किलोमीटर दूर है और ये एक आइलैंड पे है, तो हमें यहां से स्टीमर पे जाना पड़ता है। और अगर आप लोग द्वारिका विजिट करने जाते हैं तो आपको यहां भी जरूर विजिट करना चाहिए। बाप रे, 3 दिन का रास्ता हो ही सबसे बढ़िया सालू की तरफ से। यहाँ से बेट द्वारिका के लिए स्टीमर मिलेगा ना? स्टीमर कहाँ से मिलेगा बेट द्वारिका के लिए? आगे से। डैडी? ये ना पोर्ट से। वो पोर्ट से मिलेगा? यहाँ से द्वारिका से हम निकल गए थे और यहाँ से हम लोग बेट द्वारिका जा रहे हैं। बेट द्वारिका ना हम स्टीमर से जाना पड़ता है क्योंकि वो टापू पे है। ₹20 का टिकट है। अच्छा, यहीं से स्टीमर पे बैठेंगे हम लोग और यहीं से हम लोग जाएंगे वेद द्वारका जो कि टापू पे है। तो बस जैसे स्टीमर भरेगी वैसे चलने लगेगी। यहाँ बारिश के मौसम में बंद हो जाता है, अगर बीच में बारिश हो गया तो हम लोग वहीं पे फंस जाएंगे। बोट पे नहीं जाएगा। देखो इधर कितना पानी है, पानी। और दादी देखो, दादी बाबा उधर है। बोलो जल्दी आओ दादी, बोलो दादी जल्दी आओ, बोलो। छोटा भी देखते हैं। कौन छोटा है? नहीं छोटा नहीं, सब एक ही साइज का। ए दादी देखो, बैठेगा ना इसमें? जाएगी जाएगी, बोट जाएगी जाएगी। बेबी शार्क शार्क करेगा ना, शार्क, उसमें से शार्क आएगा, शार्क आएगा। अरे कितना दूर है यहाँ से? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट यहाँ से स्टीमर से। यही वाला तो पुल बन रहा है, यही वाला बन रहा है ना पुल, वहाँ बना हुआ रहा। यहाँ से डायरेक्ट कार से ही चले जाएंगे? नहीं, जब बन जाएगा तो। देखो पुल वो लगा रहे हैं, पिलर यहाँ भी लगा रहे हैं। हमारे बैग यही तो उतरना पड़ेगा क्या? यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? यहाँ से स्टीमर से उतर के हम लोग उस रास्ते से जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, दादी कहाँ है? दादी बाबा इस रास्ते से जाएंगे, वहाँ जाके फिर आपको हम दिखाते हैं। देखना पीछे, चलो चलो गोदी लेने, चलो चलो तुम चलो, तो चलो काम आ जाओ।
रन 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 ये यहाँ से हमें फिर ई रिक्शा करके आगे जाना पड़ेगा। तो हम लोग रिक्शा में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे। वो कितने थे? 100 देना है। बैठ जा बाबू। बैठ 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 बैठ। किनारे बैठ। बेट द्वारका, हाँ ये है बेट द्वारका। इसके अंदर से हमें परमिशन नहीं है वीडियो बनाने का, इसके अंदर से हम वीडियो नहीं बनाएंगे। तो दर्शन करके वापस जा रहे हैं, बोट में इतनी भीड़ है। ये रुक्मणी, क्या नाम है इस मंदिर का? रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी मंदिर। ये उसी रास्ते में है ना, जो ये उसी रास्ते में है, बेट द्वारिका के रास्ते में ही है। हमने यहाँ दर्शन कर लिया। यहाँ मंदिरों के अंदर ना फोन ले जाना अलाउड नहीं है, बस हमने दर्शन कर लिया, अंदर दिखा नहीं सकते हम आपको। तो ये रुक्मणी जी का मंदिर था, ये यहाँ कृष्ण जी है तो रुक्मणी जी का रहेंगे ही रहेंगे। होटल में स्टे करेंगे, तो बस अभी हम लोग चेकआउट ही कर रहे हैं यहाँ से। आपका सारा सामान आ गया ना? आ जा। हाँ अभी सब आने देंगे ना, सारा सामान आ जाएगा ना, पापा का भी तो होगा। ये गोमती रिवर है ना, यहाँ दर्शन करने के बाद ना लोग स्नान करते हैं। अगर कोई स्नान नहीं कर पाए, स्नान नहीं कर पाते हैं तो छींटा मार लेते हैं, तभी तभी अच्छा माना जाता। अच्छा देख कैसे, वो सुदामा सेतु है, वो चलने वाला है, उस पर चलने वाला थोड़ी ना, चलने वाला थोड़ी ना है। अच्छा हाँ जा रहे हैं, ये सुदामा सेतु है, जिम करके दिखाया मैंने। मंदिर उधर है ना? हाँ ज़्यादा दूर इसको मत ले जाओ, चलिए जाइए। अरे चलो बोनी दे देगा। जल्दी से ले लेते जलवा। अरे बस थोड़ा मत जा बेटा, पानी है ना। अरे जो फिसलन है, कहाँ जा रहे हो नीचे, फिसलन है, तो पकड़ लो, पकड़ लो भाई आप, फिसलन है। नहीं तो आप जाल दो ना, नहीं झुक पा रही हैं। हाँ यार रुक जाओ। चलो अब ऊपर फेंक दो मेरे ऊपर। यहाँ तक आओ ना, डरो मत, यहाँ तक आओ। मोगा दाम मोगा दाम। बस फेंक दो, वो देना मेरे हाथ में।
तुम अपने ऊपर छिड़का लो चलो।